इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो के अपडेट। इसका फौरन रंग बदल गया, इसका फौरन अंदाज बदल गया, इसका फौरन तौर तरीके बदल गए। बस जब भी आए इसकी नाक चढ़ी रहे, इसका मुंह उतरा रहे, मुंह टेढ़ा रहे। ईद का जवाब पत्थर से, मोहब्बत का जवाब भी पत्थर से, फूल के बदले कांटे। आखिर लकड़हारा था, इंसान तो था, कब तक बर्दाश्त कर सकता था। उसने सोचा कि इसका मूड अच्छा नहीं रहता, इसका मतलब ये रहना नहीं चाहती। कुछ औरतें ऐसी होती है जिनको रहना नहीं होता है, तो उनके सर का दर्द कभी खत्म ही नहीं होता, किसी डॉक्टर से खत्म नहीं होता, उनकी टोनाइन किसी आमिल से नहीं छूटती कभी, जिन्हें रहना ही नहीं है। शोहर आए तो उसको टोनाइन सवार हो जाती है, ना उस टोनाइन का कोई अता होता है, ना कोई पता होता है। अब बड़े से बड़ा आमिल उसको उतार नहीं सकता, ऐसा भी होता है। और जो अजमत वाली बच्चियां रहना चाहती है शोहर के साथ, फिर वो हजारा मुसीबतों के बावजूद भी सब्र के घूंट भी करके रहती है। लेकिन कौम की मैं उन बेटियों को सलाम करता हूं कि वो हजारा मुसीबतों के बाद शौहर के साथ वफा करती है। हुजूर को उन्होंने जन्नत, हुजूर अलैहि सलाम ने उनको जन्नत की बशारत दी है। और कौम की वो बेटियां जो किसी गलती या गलत राह पे चलकर, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर बेटियां ऐसी नहीं होती, लेकिन इक्का दुक्का अगर कोई गलत राह पे चलकर अगर किसी गलती का शिकार है, अगर उसकी निगाहें कभी कहीं और हैं, वो किसी और जगह पर माज़ अल्लाह जहन्नम के रास्ते पे जा रही है, तो मैं कौम की उस बेटी को यहां से पैगाम देना चाहता हूं, मेरी कौम की बेटियों, शौहर के साथ कभी बेवफाई न करना, शौहर के साथ कभी गद्दारी न करना, इसलिए कि बेवफाई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो लकड़हारे की बीवी ने सोचा कि ये गरीब की कुटिया कहां और महल बादशाह का कहां, उसका रुख बदल गया, अंदाज बदल गया। लकड़हारे ने सोचा कि अब ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो इसके साथ रहना ही बेकार है। उसने तलाक दे दी। तलाक देने के बाद इद्दत गुजारी, और इद्दत गुजार करके फिर उसने बादशाह के साथ निकाह कर लिया। उसका अंजाम तक तो वो पहुंच गई, उसका उसके अपने पलान का तो अंजाम हो गया, उसका मुकदमा पूरा हो गया, उसकी दिल की तमन्ना पूरी हो गई। अब उसके दिल के अंदर हालत यह थी कि मैं बादशाह की मलका हो गई, लकड़हारे की कुटिया से निकल करके मैं बादशाह की मलका होगी। महल में जैसे शादी की पहली रात आई और बादशाह उसके करीब आना चाहता था, तो बादशाह बहरा हो गया, गूंगा हो गया, अंधा हो गया, चलने उठने बैठने के काबिल ना रहा। वही कैफियत उस औरत की भी हो गई, वो अंधी हो गई, गूंगी हो गई, बहरी हो गई, मुक्की हो गई, बोलने के काबिल ना रही, खड़ी और बैठने के काबिल ना रही। जब उसकी पोजिशन ये हुई तो उस वक्त लोग हैरान थे, ऐसा हुआ क्यों? तो गैब से आवाज आई, तुम दोनों ने मिलकर लकड़हारे के साथ क्या किया है, क्या हम इससे गाफिल हैं? और तुमने जो मिलकर के उस पर जुल्म किया और उसका घर बिगाड़ा है, तो उसका अंजाम ये तुम्हें भुगतना पड़ा कि तुम मियां बीवी बनने के बाद भी तुम्हारे अरमान पूरे ना हो सके। आज मेरी कौम के नौजवान लड़के जो नाजायज ताल्लुकात की बला में फंसे हैं और घर जो उजड़ रहे हैं, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं जो दो मियां बीवी में आपस में जुदाई पैदा करें, फलाई सब मिन्ना वो हम में से नहीं है।